नगर निगम प्रशासन ने कोरोना वायरस से मौत के पंजीयन से लेकर दाह संस्कार में उपयोग होने वाली लकड़ी सहित अन्य सामग्री को निःशुल्क कर दिया है। जिसके संबंध में नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने बताया कि शिकायत मिल रही थी कि कोरोना मरीजों के सौ दाह के लिए बड़ी धनराशि की वसूली की जा रही है, जिसको देखते हुए 21 अप्रैल से कोरोना से मृत्यु होने वाले शवों की न तो पंजीकरण शुल्क और न ही शव को दाह संस्कार करने के लिए उपयोग में होने वाली लकड़ी तथा पारिश्रमिक कार्य के लिए किसी तरह शुल्क नहीं लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अन्य शव के दाह संस्कार के लिए लकड़ियों के दाम को निर्धारित कर दिया गया है। अगर कहीं से भी ओवररेटिंग की शिकायत मिलती है तो संबंधित के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने कहा, जैसा कि आपके संज्ञान में है कि पहले जो घाट पे जो हमारे सौदाग्रह में जो शव आते थे उनसे एक निर्धारित शुल्क में धनराशि ली जाती थी और एक पंजीकरण के नाम पे 200 रुपये अलग से लिए जाते थे। इन सब बातों को देखते हुए साथ में कुछ ऐसी भी शिकायतें आईं कि वहाँ पर कुछ प्राइवेट लोग जो वहाँ पे सौदाग्रह में लोग आ रहे हैं उनसे अनाप शनाप तरीके से पैसे मांग रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं। और आज सुबह हमने ऐसे एक दो लोगों को पकड़ा भी, उनके खिलाफ़ हम लोगों ने कठोर कार्रवाई किया। और इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने, नगर निगम प्रशासन ने ये महसूस किया कि आज से जितने भी हमारे जो कोरोना से जो हमारी मृत्यु हो रही है उन्हें पूरे सम्मान के साथ उनका दाह संस्कार किया जाए और इससे इस संबंध में उनसे जो धनराशि ली जाती थी उनके पारिवारिक जनों से उनसे कोई भी धनराशि नगर निगम प्रशासन नहीं लेगा। इससे जो वहाँ पर गलत तरीके से अवैधानिक तरीके से पैसे की वसूली करने का प्रयास करते थे, आम जनमानस को जो परेशान करते थे उनके ऊपर कठोर नियंत्रण लगेगा और एक वहाँ पर सुचारू व्यवस्था भी कायम होगी। यह एक नगर निगम का संवेदनशीलता से भरा प्रयास है, एक मानवीय प्रयास है जिस पे उन्होंने एक प्रयास किया है कि जो हमारे कोरोना से मृत्यु हो रही है उनका पूरा सम्मान के साथ दाह संस्कार किया जाए। सर, जो लोग ऐसा कर रहे हैं जो ब्लैक मार्केटिंग करते हैं लकड़ियों को, उनके लिए क्या करना चाहिए? उनके लिए स्पष्ट है कि देखिए जो हमने वहाँ पर जो धनराशि है लगा दी है, बोर्ड बना दिया है, लगा हुआ है कि आपको प्रति क्विंटल ये आपकी धनराशि, इस हिसाब से आपको लकड़ी बेचनी है। लेकिन इससे भी ज़्यादा जो लोग जो है इस तरह से चीज़ें करते हुए पाए जाएंगे, कालाबाजारी करते हुए या मुनाफाखोरी करते हुए या निर्धारित रेट से ज़्यादा रेट लेते हुए, तो निश्चित रूप से उनके खिलाफ़ कठोर वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।